हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ़ यू गुड। स्टूडेंट्स, हमने जो है सेवन्थ स्टैंडर्ड का 10th चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देख लिया था और फर्स्ट पार्ट देख लिया था। नाउ इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट देखेंगे जो हमारे रिमेनिंग बच गए थे। ओके, लेट अस सी स्टूडेंट्स। ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारे बॉडी में वो कैसे होता है। ओके, लेट अस सी स्टूडेंट्स। द इम्प्योर ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर मीन्स आपको पता है ना स्टूडेंट्स, जो शुद्ध नहीं होता है। ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये हमारे बॉडी के मतलब हर एक पार्ट में क्या करते हैं, जाते हैं, वो भी राइट अर्कुलस एंड सेंड टू द राइट वेंट्रिकल्स। राइट अर्कुलस से होके ये सेंड होते हैं किसमें, राइट जो वर्टिकल्स में। फ्रॉम हियर द ब्लड इज पम्प्ड थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो ब्लड होते हैं वो पंप होते हैं किसके द्वारा, तो जो पल्मोनरी जो आर्टरी होती है और ये लंग्स तक फॉर डी ऑक्सीजनेशन। इसमें डी ऑक्सीजनेशन मिस होता है, इसमें ऑक्सीजन जो है नहीं होती है, ये जो है इम्प्योर ब्लड्स होते हैं। इन लंग्स द ब्लड गिव्स अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड एब्सॉर्ब्स ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। इस तरह से लंग्स में जो है दिस ब्लड, ये जो ब्लड होता है गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड देता है एंड ऑब्जर्व करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर, और ऑब्जर्व करता है ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न्स टू द लेफ्ट आर्टरीज थ्रू पल्मोनरी वेन एंड देन एंटर्स द लेफ्ट वर्टिकल्स। और इस तरह से ये जो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रिटर्न्स टू द लेफ्ट आर्टरीज, ये जो है क्या होता है, रिटर्न वापस आता है लेफ्ट आर्टरीज में एंड थ्रू इस तरह से पल्मोनरी जो वेन होता है एंड देन एंटर्स द लेफ्ट वर्टिकल्स, और ये जो क्या होता है एंटर करता है लेफ्ट वर्टिकल्स में फ्रॉम हियर। द ब्लड इज पम्प्ड थ्रू द एरोटा, और इस तरह से जो ये ब्लड होता है वो क्या होता है, पम्प करता है थ्रू द एरोटा के थ्रू एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। एज द ब्लड पासेस, इस तरह से जो ब्लड होता है वो पास होता है थ्रू द कैपिलरीज, कैपिलरीज के थ्रू ये क्या होता है, पास हो जाता है, गुजरता है ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। और भी जो ऑक्सीजन्स और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं आर डिवाइडेड डिलीवर टू द सेल्स, ये क्या करते हैं डिलीवर करते हैं सेल्स को, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर वेस्टेज आर पिक्ड अप बाय द ब्लड। और ये ब्लड के द्वारा और भी वेस्टेज जो थिंग्स होती हैं वो क्या किए जाते हैं, जो है पिक्ड अप कर लेते हैं, उनमें चले जाते हैं उनके साथ ही। दिस इस तरह से आप देखेंगे स्टूडेंट्स क्या क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, ये रहा पल्मोनरी सर्कुट्स रहा ये, और ये कैपिलरी जो है रहा, पल्मोनरी जो वेन्स हैं, लेफ्ट आर्टरी राइट वेट राइट आर्टरी में रहा। इस तरह से आप बुक में अच्छे से देख सकते हैं स्टूडेंट्स और समझ सकते हैं। लेट अस सी हियर, इस तरह से जो है कार्बन जो डाइऑक्साइड होता है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिसको हम डी ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। ब्लड गोज बैक टू द राइट आर्कलेज, इस तरह से वापस से राइट जो आर्कले में जाता है। ओके, हार्ट बीट्स एंड हार्ट साउंड्स, जो हमारा हार्ट होता है, हमारा जो हार्ट होता है दिल होता है स्टूडेंट्स, वो उसके बीट्स कैसे होते हैं और उसके साउंड कैसे आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। यस, हार्ट बीट्स एंड हार्ट साउंड्स। द रिदमिक जो कंट्रेक्शंस होता है ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ द आर्कलेस एंड द वेंट्रिकल्स इज नोन एज द हार्ट बीट, इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट्स के नाम जानते के नाम से जानते हैं। ह्यूमन हार्ट जो होता है बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट्स, मीन्स ह्यूमन की जो हार्ट होती है, जो दिल होता है, वो 72 टाइम्स जो है क्या करता है, बीट्स करता है, मीन्स वो धड़कता है, वो भी कितने, तो पर मिनट, मीन्स एक मिनट में। वन हार्ट बीट्स इंक्लूड, एक जो हार्ट बीट होता है हार्ट बीट वो इंक्लूड्स करता है अ फेज ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स एंड जनरल पल्सेस डायस्टोल, अ फेज ऑफ कंट्रेक्शंस ऑफ हार्ट मसल्स सायस्टोल। ड्यूरिंग द डायस्टोल्स हार्ट रिसीव करता है, ये जो रिसीव करता है ब्लड, एंड ड्यूरिंग सिस्टोल्स फर्स्ट आर्टेरिया एंड कंट्रैक्ट टू पुश द ब्लड इन टू द वेंट्रिकल्स एंड देन वेंट्रिकल्स एंड कंट्रैक्ट टू द पम्प ब्लड इन टू द ब्लड वेसल्स।
दस इस प्रकार जो कंट्रेक्शंस होता है ऑफ द आर्ट्रियल चैम्बर आर देना वेंट्रिकुलर चैम्बर, इस तरह से वेंट्रिकुलर चैम्बर में जो है जाता है। दस इस प्रकार जो है कंस्ट्रिक्शन ऑफ द आर्ट्रियल चैम्बर्स देन वेंट्रिकुलर चैम्बर आर टू फेज ऑफ हार्ट बीट, ये जो दो फेज होते हैं हार्ट बीट के, दिस टू फेज ऑफ हार्ट बीट कैन बी हियर्ड एज लव एंड डब साउंड्स। इन दोनों जो मतलब जो चैम्बर्स हैं उसमें कुछ साउंड्स आती है, वो साउंड्स होती है लव और डब की साउंड्स होती है। द साउंड्स ऑफ हार्ट बीट इज कॉज्ड बाय द कंट्रेक्शंस, और ये जो हार्ट बीट्स की जो आवाज़ आती है, जो साउंड्स होती है, वो क्या होती है, तो वो कंट्रेक्शन ऑफ मसल्स के कारण होती है एंड शटिंग डाउन द वॉल्व्स, और शटिंग जो डाउन वॉल्व्स के जो है बंद के होने के कारण होती है। इन द लव फेज, और जो है लव फेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो जो वर्टिकल्स होते हैं कनेक्ट एंड स्विच वॉल्व्स क्लोज। इन द डब फेज, और डब फेज में होती है जो द पुलमोनरी एंड आर्टरिक वॉल्व्स क्लोज, इसमें जो है वॉल्व्स क्या होते हैं क्लोज होते हैं, उसमें क्यू कस्पिड होते हैं, इसमें एरोट्रिक वॉल्व्स होते हैं। और नॉर्मल हार्ट बीट, एक भी जो है नॉर्मल हार्ट जो होता है, जो दिल होता है, वो 72 टाइम्स जो है बीट्स करता है, वो भी पर मिनट्स एक मिनट में। डॉक्टर्स जो है वो यूज करते हैं इस साउंड को सुनने के लिए किसी यंत्र का, मशीन का, उसको हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। नाउ सी पल्स एंड पल्स रेट, अभी हम देखते हैं पल्स और पल्स रेट क्या होता है। ओके, ईच टाइम द हार्ट पम्प्स द ब्लड आउट इट रशेस थ्रू द आर्टरीज, ईच टाइम प्रत्येक टाइम क्या होता है, जो हार्ट होता है, जो दिल होता है, वो पम्प करता है ब्लड आउट, ठीक है, एंड इट रशेस थ्रू द आर्टरीज, और ये क्या करता है रश करता है थ्रू द आर्टरीज एंड प्रोड्यूसेस अ ट्विचिंग मूवमेंट आर थ्रोबिंग कॉल्ड पल्सेस, और इस तरह से थ्रू द आर्टरीज, इस तरह से आर्टरीज एंड प्रोड्यूस करता है और ट्विचिंग मूवमेंट या फिर थ्रोबिंग कॉल्ड पल्सेस, इसको ही हम पल्सेस कहते हैं। ईच हार्ट बीट्स कॉज ए पल्स इज इन द आर्टरी, और हर एक जो प्रत्येक क्या होता है, जो हमारा हार्ट बीट होता है वो किसके कारण होता है, तो जो है पल्स इन द आर्टरी के कारण होता है। पल्स कैन बी फील एट अ वेरियस प्लेसेस, जो हमारे नर्व्स होते हैं, जैसे हम टच करके पता चलता है, जैसे आप ये पिक्चर्स में देख सकते हो, ये पल्स को क्या कर रही है, टच कर रही है हमारे, ठीक है। तो इस तरह से जो पल्स होता है कैन बी फील, इसको हम फील कर सकते एट द वेरियस प्लेसेस, मीन्स हमारे जो धड़कन है, हार्ट बीट जो है वो चल रहा है कि नहीं, इससे हम पल्सेस से पता चलता है। एंड वेरियस प्लेसेस पे आप हम पता कर सकते हैं बॉडी वीच, इनर वी, रिस्ट, नेक, टेम्पल, ये सारी चीज़ें होती हैं। द नंबर ऑफ पल्सेस बीट पर मिनट्स इज कॉल्ड पल्स रेट, इस तरह से जो पल्स बीट होता है पर मिनट में कितना होता है उसको हम पल्स रेट कहते हैं। ओके, मेजर टाइप्स ऑफ, इस तरह से बहुत टाइप्स के क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखेंगे यहाँ पे। मेजर टाइप्स ऑफ बॉडी वेस्टेज, मीन्स इन आवर बॉडी देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द वेस्टेज मटेरियल्स इन आवर बॉडी, बहुत तरह के जो है वेस्टेज थिंग्स हैं हमारे बॉडी में, वो क्या क्या हैं हम देखते हैं स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ वेस्टेज, ओके, एग्जाम्पल्स एंड द सिस्टम ऑफ एलिमिनेटिंग देम, अभी जो है गैसियस वेस्टेज, जो गैसियस वेस्टेज होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका जो सिस्टम ऑफ एलिमिनेटिंग देम ये होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, ये जो होता है वो फेसेस होते हैं, और ये होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। केमिकल वेस्टेज क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, एंड वे वाटर एंड सॉल्ट, ये जो होते हैं केमिकल वेस्ट जो होते हैं, ये जो टाइप्स ऑफ वेस्टेज होता है वो केमिकल वेस्ट, वाटर, सॉल्ट, ये होता है यूरिन एंड स्वीट। यूरिन भी जो आपको पता है, जो हम जो है करते हैं वॉशरूम में, एंड स्वीट भी पता है आपको पसीना, ठीक है। और इसके जो ये स्टूडेंट जो होता है सिस्टम ऑफ एलिमिनेटिंग, ये होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम एंड स्किन, ठीक है। इस तरह सब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रीशंस क्या होता है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, द ह्यूमन बॉडी हैज स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर द रिमूवल ऑफ सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस बॉडी वेस्टेज, मीन्स हमारे बॉडी में जो भी गैसेस रूप में या फिर सॉलिड रूप में या फिर जो है यस लिक्विड रूप में कुछ जो है
इम्प्योर थिंग्स होते हैं, वेस्टेज थिंग्स होते हैं, जिसको मतलब बाहर निकालना बॉडी से बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो मेन ऑर्गन्स होते हैं ऑफ एक्सक्रेशंस के इन ह्यूमंस आर लंग्स, स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, एनस एंड द यूथ्रा। ये सारे जो मेन ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम क्या करते हैं एक्सक्रेशंस के, जो ये मेन पार्ट्स हैं इन ह्यूमंस, एक्सक्रेशंस इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ यूरिया, श्वेत एंड इन अनडाइजेस्टेड फूड, दिस बॉडी वेस्टेज आर रिमूव्ड एज द गिवेन। तीसरे से जो ह्यूमन में जो आदमी एक इंसान है वो जो एक्सक्रेशंस जो इन्वॉल्व करते हैं, तो इस तरह से ये होते हैं रिमूवल ऑफ द यूरिया, जैसे यूरिया को रिमूव करना, स्वेट, पसीना एंड अनडाइजेस्टेड फूड, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी बाहर निकालना ज़रूरी होता है। दिस जो बॉडी वेस्टेज रिमूव्ड आर गिवन, इस तरह से हमारे बॉडी से क्या करते हैं हम इन सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं। सी हियर, फॉर अ नॉर्मल रेस्टिंग पर्सन द पल्सेस रेट इज यूजली लेस बिटवीन 12 to 80 पल्सेस बीट पर मिनट्स। जनरली पल्स रेट इज अ मेजर बाय फीलिंग द पल्सेस इन इनर डिस्टेंस। नाउ सी स्टूडेंट्स, एक्सक्रीशंस इन एनिमल्स, कैसे जो है एक्सक्रीशंस होता है वो भी कहाँ पे, तो एनिमल्स में। पहले हम एक्सक्रीशन पढ़ेंगे एनिमल्स। ओके, न्यूमरस बायोकेमिकल्स रिएक्शंस ऑकर्स राउंड द क्लॉक इन ऑल लिविंग सेल्स। मीन्स न्यूमरस, मीन्स वी कैन नॉट काउंट, बहुत अधिक असंख्य में जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, ऑकर्स राउंड द क्लॉक इन ऑल लिविंग सेल्स। जो भी लिविंग सेल्स हैं उनके जो है राउंड, मीन्स उनके अंदर ये सारी चीज़ें होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है। दे प्रोड्यूस अ वेराइटी ऑफ वेस्टेज प्रोडक्ट, और वे बहुत ऐसी चीज़ें हैं वेस्टेज जो है प्रोडक्ट हैं वो क्या करती है प्रोड्यूस करती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड अदर नाइट्रोजियस कंपाउंड्स, और इस तरह के ये सारे जो है वेस्टेज थिंग्स हैं। इफ दे एक्यूमुलेट इन द बॉडी, अगर वो बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो जाएगा, दे प्रूव टू बी टॉक्सिक, तो वे क्या करते हैं प्रूव करते टॉक्सिक। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग टॉक्सिक वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। तो एक्सक्रेशन मीन्स क्या होता है, जो भी वेस्टेज थिंग्स होते हैं हमारे बॉडी में उसको हमें रिमूव करना हमारे बॉडी से, उसको एक्सक्रेशंस कहते हैं। एंड द ऑर्गन्स दैट रिमूव्स, और ऐसे ऑर्गन्स मीन्स बॉडी के ऐसे पार्ट जो रिमूव करते हैं, वहाँ से रिमूव होता है उसको, दिस टॉक्सिक वेस्टेज आर कॉल्ड एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स, और उसी को क्या बोलते हैं एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी एक्सक्रेशंस इन ह्यूमन। अभी जो एक्सक्रेशंस ह्यूमन में हमने देख लिया था, अभी हम देखते हैं सॉलिड वेस्टेज, ये भी हो गया था। अभी देखेंगे हम स्टूडेंट्स वाटर, साल्ट, यूरिया, ईटीसी, ये क्या होता है। द स्वेट ग्लैंड अंडर द स्किन रिमूव वाटर, साल्ट, यूट्रा, यूरिया, ईटीसी फ्रॉम द ब्लड फ्लोइंग थ्रू ब्लड कैपिलरीज इन द स्किन बाय डिफ्यूजन। इस तरह से जो स्वेट, जो पसीना होता है, जो ग्लैंड्स होते हैं अंडर द स्किन रिमूव द वाटर, ये जो क्या करते हैं रिमूव करते हैं वाटर, सॉल्ट, यूरिया, ईटीसी फ्रॉम द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द, ये किसके द्वारा, तो ब्लड कैपिलरीज के द्वारा इन द स्किन, स्किन में, एंड बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा। दीज वेस्टेज आर देन थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, और इस तरह से जो ये वेस्टेज होते हैं वो हमारे बॉडी से जो है डिफ्यूज हो जाते हैं। दीज वेस्टेज आर देन थ्रू आउट ऑफ द बॉडी थ्रू टीनी पोर्स और स्किन। लिक्विड वेस्ट क्या होता है, लिक्विड वेस्ट, द लिक्विड वेस्ट ऑफ द बॉडी इज रिमूव्ड बाय द एक्सक्रेटरी और यूरिनरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इस तरह से जो ये लिक्विड वेस्टेज होता है बॉडी का, उसे हम रिमूव करते हैं बाय द एक्सक्रेटरी के द्वारा, सिस्टम के द्वारा, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन के रूप में। एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, इट मीन्स दैट ह्यूमन के बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे जो अनवांटेड या वेस्टेज थिंग्स होते हैं जिसे हमें बॉडी से निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन्स हैज अ पेयर ऑफ किडनी। एक्सक्रेटरी सिस्टम में जो ह्यूमन है उसके अंदर जो है क्या है, पेयर ऑफ किडनी है, पेयर ऑफ यूरेट्रास है, अवाइनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा। किडनी, किडनी आर ब्राउन कलर, किडनी जो हमारा ब्राउन कलर होता है, बीन शेप का ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी,
और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एब्डोमिनल जो कैविटी होती है वन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, हमारे बैकबोन की साइड में। ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ लॉन्ग क्वाइल ट्यूबल्स कॉल्ड नेफोन्स। दीज आर स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द किडनी। और इस तरह से दीज आर द स्ट्रक्चर, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है एज वेल एज इनका जो फंक्शन होता है यूनिट ऑफ किडनी। द एक्स इज द फिल्टर, ये जो है क्या काम करते हैं, फिल्टर का काम करते हैं, ये फिल्टर का काम करते हैं। ओके, एंड दे रिमूव नाइट्रोजियस वेस्टेज, जो भी हमारे बॉडी में नाइट्रोजियस जो वेस्टेज होते हैं, जो बेकार चीज़ें होती हैं, एंड वाटर्स फ्रॉम द ब्लड वाइल इट पासिस थ्रू द किडनी, ये सब जो है किडनी से होके जाते हैं। द रेंट आर्टरी जो होती है ब्रिंग्स ब्लड टू द किडनी, और इस तरह से रेंट जो आर्टरी होती है वो ब्लड को किडनी में लेके आती है। एंड रेन्यूअल वेंस टेक इट अवे इन किडनी, किडनी में जो है एक्सेस होता है ऑफ द वाटर एंड नाइट्रोजियस वेस्टेज। ये जो भी हमारी किडनी है उसमें क्या होता है, वाटर एंड नाइट्रोजियस जो है कि एक्सेस होता है, वेस्टेज आर रिमूव्ड, और ये जो वेस्टेज होते हैं वो रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन में, यूरिन से हो गए। यूरिन इज रिमूव्ड फ्रॉम द किडनी बाय अ पेयर ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड यूट्रस। यस, यूरिन जो है रिमूव होता है फ्रॉम द किडनी, किडनी से हो गए, एंड बाय अ पेयर ऑफ ट्यूब्स, और इस तरह से जो पेयर ऑफ ट्यूब्स होते हैं उनको हम यूरेट्रस कहते हैं। इट इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर, ये जो है स्टोर किए जाते हैं कहाँ पे, तो यूरिनरी ब्लैडर में, एंड इज फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग लोकेटेड एट द एंड ऑफ द यूरेथ्रा। और इस तरह से स्टूडेंट्स फाइनली जो हम देखें, इट कलेक्टेड एंड स्टोर, जहाँ पे कलेक्ट होता है स्टोर होता है यूरिन, उसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारा जो यूरिन है जो हम, ठीक है, वो हम जहाँ पे मतलब सब इकट्ठे होता है ये, इसको यूरिनरी जो है ब्लैडर कहते हैं। एंड इट फाइनली डिस्पोज ऑफ थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग लोकेटेड इन द एंड ऑफ यूरेथ्रा, और इसका जो अंतिम जो है मतलब लास्ट जो लोकेशन होता है वो होता है यूरेथ्रा। एंड द यूरेथ्रा इज अ मस्कुलर ट्यूब, और इस तरह से यूरेथ्रा जो होता है एक मस्कुलर ट्यूब होता है। नाउ सी स्टूडेंट्स, जो है डायलिसिस क्या होता है, डायलिसिस। नाउ स्टूडेंट, जो डायलिसिस होता है, डायलिसिस इज द सेपरेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर वंस इन देयर सॉल्यूशन विद द, यस, डायलिसिस जो होता है वो सेपरेशन, सेपरेशन मीन्स क्या होता है, चीज़ों को अलग अलग करना। तो इस तरह से जो लार्जर जो मस्कुलस होते हैं वो स्मॉलर फ्रॉम द स्मॉलर से वन इन देयर सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल जो होता है मेम्ब्रेन। ह्यूमन बींग्स हैव अ टू किडनी, आपको पता है कि ह्यूमन्स के पास जो है बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में कितनी किडनी होती है, दो किडनी होती है। इफ़ वन किडनी इज डैमेज, अगर एक किडनी जो है डैमेज हो जाती है तो द अदर किडनी फुलफिल्स द एक्सक्रेटरी नीड्स, तो जो भी मतलब हमारी किडनी होती है दूसरी वाली वो एक्सक्रेटरी नीड्स को क्या करती है, तो फुलफिल करती है, काम करती है। बट इफ द बोथ किडनी आर डैमेज, अगर दोनों किडनी हमारा डैमेज हो गए, द पर्सन कैन नॉट सर्वाइव, तो आदमी वो जिंदा नहीं रह सकता, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज, क्योंकि हमारे बॉडी में जो भी वेस्टेज जो थिंग्स होती हैं इन द बॉडी, देयर फॉर द नेगोटियस यस नाइट्रोजियस वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड आर द पीरियोडिकली रिमूव्ड बाय द आर्टिफिशियली किडनी आर द डायलिसिस मशीन। द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजियस वेस्टेज फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल डायलिसिस। तो इस तरह से उनके लिए फिर आर्टिफिशियस जो है किडनी लगानी पड़ती है, जिसको हम आर्टिफिशियस डायलिसिस, एक मशीन लगाना पड़ता है, उसी मशीन को हम डायलिसिस जो है आर्टिफिशियल डायलिसिस कहते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट मीन्स कैसे जो है कोई चीज़ का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी पदार्थ का, वो भी किस में, प्लांट्स में। ठीक है, देयर आर थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स, तीन जो है डिफरेंट जो है अलग अलग क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर्ब शर्ब्स एंड ट्री, मीन्स हर्ब क्या होता है, शर्ब क्या होता है, और ट्री क्या होता है, ट्री मीन्स बड़ा पेड़, आपको पता ही है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए
थ्रू दे कम्प्लीटली मे वेरी बट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन ऑल द थ्री टाइप्स. यस थ्रू दे कम्प्लीटली मे वेरी बट वो कम्प्लीटली हो तो जाते हैं बट उनको क्या करना पड़ता है ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है इन थ्री टाइप्स इन द सेम प्लांट्स हैव अ वेल डेवलप्ड. उनको डेवलप्ड होने के बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम इट इज कॉल्ड वैस्कुलर सिस्टम. और इससे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको जो है क्या कहते हैं वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं. इट हैज़ टू मेन फंक्शन. इसके जो दो मेन फंक्शंस होते हैं. इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व्स इन वाटर फ्रॉम द रूट्स टू ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. इससे जो ट्रांसपोर्ट होता है वाटर में एंड मिनरल्स में वो डिसॉल्व्स करता है इन वाटर फ्रॉम द रूट्स टू ऑल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. इट ट्रांसपोर्ट द फूड सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स राइट अप टू द रूट्स. इससे ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्ट द ब्लड सिंथेसाइज्ड इन लीव्स लीव्स में एंड वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट राइट अप टू द रूट्स. ओके इस तरह से आप देख लोगे स्टूडेंट्स ये क्या है जाइलम, ये क्या है फोयम और ये H2 मीन्स क्या है हाइड्रो ऑक्साइड हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसको हम क्या बोलते हैं H2 जो है सूत्र होता है किसका जल का ठीक है वाटर का. और ये क्या है कंपेनियन सेल है शोर सेल्स लीफ सिंग शूल. इस तरह से आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स. नाउ सी स्टूडेंट्स वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है. वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पाइप लाइक वेसल्स. ये जो होता है पाइप के जैसे जो एक वेसल्स होता है अरेंज टू द एंड जिसके क्या होते हैं अच्छे से उसके जो एंड पर जो है अच्छे से जो अरेंज होता है. दे एक्सटेंड फ्रॉम द टिप्स ऑफ द रूट्स टिप्स ऑफ द लीव्स पासिंग थ्रू द स्टेम. और इस तरह से जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द टिप्स ऑफ द रूट्स एंड टू टिप्स ऑफ द लूप लीफ पासिंग थ्रू द इस तरह से ये पास होता है और जड़ तक जाता है. द वैस्कुलर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यू. यस जो वैस्कुलर सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं. इट इज फॉर्म ऑफ टू टाइप्स. ये जो है दो तरह से फॉर्म होता है ऑफ अ सेल्स नोन एज द वेसल्स जाइलम्स वेसल्स एंड फोयम वेसल्स जिसको जाइलम वेसल्स और फोयम वेसल्स कहते हैं. जाइलम वेसल्स जो होता है वो द जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिसॉल्व्स मिनरल्स. इससे जाइलम वेसल्स जो होता है वो क्या करता है ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड डिसॉल्व्स मिनरल्स और मिनरल को डिसॉल्व करता है अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स थ्रू द स्टेम टू द टिप्स ऑफ द लीव्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अपवर्ड्स मूवमेंट्स क्या होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स. जाइलम वेसल्स देखेंगे जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट वाटर. ये जो क्या करते हैं वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं और जो डिसॉल्व्स मिनरल होता है अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स यस रूट्स से एंड थ्रू द स्टीम यस जड़ से तने तक एंड द टिप्स ऑफ द लीव अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. और क्या होता है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है. दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप. इसको हम जो मिनरल्स को क्या बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप कहते हैं. अभी फोयम वेसल्स क्या होता है व्हाट इज दिस यस फोयम वेसल्स दिस कैरीज. ये जो है कैरी करता है ब्लड सिंथेसाइज्ड बाय द लीव्स. लीव्स के द्वारा जो फूड क्या होता है सिंथेसाइज्ड होता है उसको कैरी करता है डाउनवर्ड्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. और पूरे जो है प्लांट्स के पार्ट में ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. जो है वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे होते हैं किस में तो प्लांट्स में. प्लांट्स जो है वो एक्सक्रीट करते हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल. सॉयल के द्वारा ये वाटर और मिनरल्स को एक्सक्रीट करते हैं थ्रू द रूट्स हेयर दैट हैव अ डायरेक्ट कंटेक्ट विद द वाटर. और इनका जो डायरेक्ट कनेक्शन जो वाटर्स होता है इनसाइड द सॉयल
द वाटर एंड मिनरल्स डिसॉल्व इट, और इस मिनरल और जो है वाटर इसमें डिसॉल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं। इट मूव्स थ्रू अ स्पेशल पाइप, ये जो है स्पेशल पाइप के द्वारा जो है क्या होते हैं जाते हैं, मूव करते हैं लाइक अ टिश्यू प्रेजेंट इन द प्लांट, जैसे टिश्यू जो है वो क्या होता है प्लांट में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जाइलम बोलते हैं। व्हाट स्टूडेंट्स? यस जाइलम। जाइलम हैज अ वाइड नेटवर्क स्पेयर, इस तरह से जो जाइलम होता है ना स्टूडेंट्स, सी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स, यस ये तो हो गया था स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, जो ट्रांसलोकेशन होता है फूड का वो कैसे होता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, मीन्स जो भी ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड, जो भी मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करना है पत्तियों तक जड़ों तक, तो जो है अदर पार्ट्स या फिर और भी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। द फूड इज मैन्युफैक्चर इन द मेसोफिल, जो मेसोफिल होता है उसमें क्या होता है मेन जो है फूड मैन्युफैक्चर होता है, सेल्स ऑफ द लीफ फ्रॉम मेसोफिल सेल्स, इट एंटर्स इनटू द सीव टाइप्स ऑफ द फोयम, और इस तरह से ये एंटर करता है सीव टाइप्स ऑफ फोयम में, इज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड इज ट्रांसपोर्ट टू ऑल नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, और भी जो नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स होते हैं, फोयम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड, फोयम जो है क्या करता है वो भी ट्रांसपोर्ट करता है अमीनो एसिड एंड हारमोन्स सिंथेसाइज इन दिस टाइप ऑफ सूट एंड रूट्स, और ये सिंथेसाइज होता है जो भी टाइप्स ऑफ सूट्स होते हैं रूट्स होते हैं उसमें। ओके इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रांसपीर, अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ट्रांसपीरेशंस क्या होते हैं। व्हाट स्टूडेंट्स? तो ट्रांसपीरेशन द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जो मीन्स हम वाटर डालते हैं प्लांट्स में तो क्या हो जाते हैं कुछ स्टीम बन करके वो जो है वेपर बन के वापस जो वेपर बन जाते हैं वो चले जाते हैं बादल क्लाउड्स बन जाते हैं, एंड फ्रॉम द लीव्स से एंड ऑफ द प्लांट इन द एयर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, इसी को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ट्रांसपीरेशन जो है अकर्स थ्रू द स्टोमेटा इन द लीव्स, और ये ट्रांसपीरेशन क्यों होता है कैसे होता है, तो ये प्लांट्स में जो है छिद्र होते हैं पत्तों में, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है उसमें से पानी जो है क्या बनते हैं वेपर बन के चले जाते हैं क्लाउड्स में। लिव्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपीरेशन, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं ट्रांसपीरेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभाव पड़ता है उन पर, डिफेक्ट डालते हैं इफेक्ट डालते हैं, तो ये होते हैं ट्रांसपीरेशन इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। टाइम ऑफ द डे, टाइम ऑफ द डे द स्टोमेटा इज स्टोमेटा इन लिव्स आर ओपन ड्यूरिंग द डे, जो स्टोमेटा जो लिप्स होते हैं लिप्स में वो क्या होते हैं ओपन होते हैं डे में एंड क्लोज एट द नाइट, और रात में क्लोज हो जाते हैं, सो मोर ट्रांसपीरेशन टेक प्लेस, तो इससे अधिक जो है क्या होता है ट्रांसपीरेशन जो है वो समय लेता है ड्यूरिंग द डे देन अ नाइट। टेम्परेचर, द रेट ऑफ जो यस स्टूडेंट्स द रेट ऑफ जो ट्रांसपीरेशन होता है इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हायर होता है उस टाइम पर जो रेट होता है ट्रांसपीरेशन का वो अधिक हो जाता है, सो ट्रांसपीरेशन ऑन ए हॉट डे इज मोर देन दैट ऑन अ कोल्ड डे, इस तरह से जो ट्रांसपीरेशन होता है ऑन हॉट डे इज मोर वो अधिक होता है दैट ऑन द कोल्ड डे में। अभी देखते हैं ह्यूमिडिटी क्या होती है। यस स्टूडेंट्स, ह्यूमिडिटी ऑन ए ह्यूमिड डे द ट्रांसपीरेशन इज लोअर, ट्रांसपीरेशन क्या होता है लोअर होता है बिकॉज द एयर ऑलरेडी कंटेन्स ए लॉट्स ऑफ मॉइस्चर, क्योंकि जो इसमें बहुत जो है एयर में क्या होता है ऑलरेडी कंटेन्स करता है लॉट्स ऑफ मॉइस्चर्स। विंड क्या होता है, विंड इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, यस विंड जो होते हैं वो इंक्रीज करते क्या तो रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को, दिस इज बिकॉज द विंड टेक अवे वाटर वेपर, क्योंकि इसमें जो विंड होता है उसमें जो ज़्यादा वाटर वेपर होता है एंड फ्रॉम द नेबरहुड लीव्स। लाइट, लाइट इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन, लाइट जो होती है वो क्या करती है तो ये इंक्रीज़ करती है क्या इंक्रीज करती है स्टूडेंट्स तो ट्रांसपीरेशन के रेट को, दिस इज बिकॉज लाइट जो होती है कॉज टू द स्टोमेटा टू ओपन,
क्योंकि लाइट्स की वजह से ये स्टोमेटा जो है क्या होता है, ओपन होता है, क्योंकि वो दिन में ही ओपन होता है, रात को जो क्लोज हो जाता है। नाउ सी इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन हेल्प्स द ट्री प्लांट इन द फॉलोइंग मैनर। ट्रांसपीरेशन जो है वो हेल्प करता है ट्री को, प्लांट्स को, इन द फॉलोइंग मैनर में। इट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। ये जो है मीन्स ठंडा जो है प्रोड्यूस करता है, और क्या करता है स्टूडेंट्स, देयर बाय सेविंग डिलेक्ट सेल्स फ्रॉम द हीट ऑफ द सनलाइट। ट्रांसपीरेशन जो है वो हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रूट्स अपवर्ड्स, और ये सारी चीज़ों में जो है। इस तरह से आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। बाय बाय, थैंक यू।